स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अदर फ्रॉम ajnpur.com। स्टूडेंट हमारी जो डिस्कशन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर जारी है, जिसमें आज हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। उसके कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि जो आपके पास थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, अगर उसका आप सम लें तो वो किसकी इक्वल आता है? जीरो की इक्वल आते हैं। तो देख, हमारे पास थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन थे? एक तो वन है, दूसरा माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट आयोटा ओवर टू, तीसरा है माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा ओवर स्टूडेंट टू। अब ये हमारे पास है थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उस प्रॉपर्टी का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर हम इन तीनों को एड करें, सम लें इनका, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है? जीरो के। तो प्रूव करते हैं स्टूडेंट। अब हमने इसको डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं, वन ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। अब वो कहता है अगर हम तीनों प्रॉपर्टी को वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर करें तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आता है स्टूडेंट? जीरो के। तो हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास स्टूडेंट? वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब इसमें हम ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं इसका रिजल्ट जीरो के इक्वल आता है या नहीं। अब वन ओमेगा किसके इक्वल है स्टूडेंट? माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट आयोटा ओवर टू प्लस क्या स्टूडेंट? ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल है स्टूडेंट? माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा ओवर टू। एलसीएम लें स्टूडेंट इसका तो वो आएगा टू। यहां पे अब इसके डिनोमिनेटर में टू वन है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? टू। और टू को इस ऊपर नोमिनेटर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। वन आएगा बल्कि सॉरी इसके रिजल्ट टू। यहां पर स्टूडेंट इसके डिनोमिनेटर में वन है, जब वन को हम इस एलसीएम टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? टू। अब जो इसका हमें रिजल्ट मिलेगा उसको नोमिनेटर के साथ हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आएगा टू प्लस, जब टू को टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? वन। वन को इस ऊपर नोमिनेटर पूरे नोमिनेटर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो वही आएगा हमारे पास माइनस वन प्लस थ्री अंडर रूट आयोटा प्लस टू वन। वन इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा। अब स्टूडेंट इसको वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस माइनस वन प्लस थ्री आयोटा ओवर क्या था स्टूडेंट हमारे पास? टू प्लस क्या स्टूडेंट हमारे पास? माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा टू प्लस माइनस माइनस वन प्लस थ्री आयोटा माइनस वन माइनस थ्री अंडर रूट आयोटा ओवर टू। टू इसका क्या स्टूडेंट? एलसीएम है। हम इन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को क्या कर रहे हैं? सम ले रहे हैं उनका। टू माइनस वन माइनस वन माइनस का टू प्लस के थ्री अंडर रूट आयोटा माइनस के थ्री अंडर रूट आयोटा ओवर टू। अब स्टूडेंट टू टू से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा जीरो, थ्री ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पे भी जीरो आएगा। तो हमारे पास जीरो ओवर टू इज इक्वल टू जीरो। अब वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और ये बात हमने स्टूडेंट क्या करनी थी? प्रूव करनी थी कि अगर हम थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम लें तो उसका सम जीरो के इक्वल आता है। तो ये बात हमने प्रूव किया है
अगर हम थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम लेते हैं तो उसको किसके इक्वल आता है, जीरो के, और ये बात जो है वो राइट साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।